Hello friends, in this video we will study about the definitions in terms of the essential elements, and this is from the class 11 chapters, that is the chapter name is mineral nutrition. So let's discuss it, okay, line by line, and then we will understand each and every concept also. So if we say, we have discussed about the elements, okay, what are the macro elements, micro element, that all we have discussed. So whenever the supply of an essential elements become limited, जब supply कम हो जाती है, the plant growth is retarded definitely. अगर कोई भी mineral element essential है वो, उसकी supply कम हो जाएगी तो plant की growth पे तो फर्क पड़ेगा ही सबसे पहले. The concentration of essential elements became element below which the plant growth is retarded known as critical concentration. Critical concentration क्या है? उसके नीचे अगर उस element की concentration गई, तो plant की growth retarded हो जाएगी, उसकी growth hampered हो जाएगी. तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन. उस कॉन्सेंट्रेशन से ऊपर ऊपर कॉन्सेंट्रेशन सही रहती है. द एलिमेंट इज सेट टू बी द डेफिशिएंट व्हेन दिस इज बिलो द क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन. तो उसकी डेफिशिएंसी हो गई है. सिंस ईच एलिमेंट हैज वन और मोर स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल इन द प्लांट्स. जो भी हमने देखे, जैसे मैग्नीज का, जिंक का, कॉपर का, अभी हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने समझा कि क्या क्या रोल होते हैं. तो हर एक एलिमेंट का कुछ ना कुछ रोल है, कुछ ना कुछ हर एक एलिमेंट का सफिशियंट रोल है, ठीक है, प्ले करने के लिए. एंड दिस ऑल सो दिस ऑल एलिमेंट्स, उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है? उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्रिटिकल के ऊपर होनी चाहिए. क्रिटिकल के नीचे जाएगी तो डेफिशिएंसी हो जाएगी. एंड देन वी अंडरस्टूड कि हर एक एलिमेंट अपना अपना रोल प्ले करता है, ठीक है. देर इज अ सफिशियंट रोल विच इट हैज टू प्ले इन दिस प्रोसेस और इस काम के अंदर. और देन वी अंडरस्टैंड द प्लांट सोज सर्टेन मॉर्फोलॉजिकल चेंज इन एबसेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट. क्योंकि एक पर्टिकुलर एलिमेंट एबसेंट हो गया, प्लांट के अंदर कुछ ना कुछ मॉर्फोलॉजी मतलब उनके स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस आते हैं, उनके स्टेम, रूट, लीफ, उसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है. एंड ये जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं, दीज आर एक्चुअली इंडिकेटिव और दे आर एक्चुअली इंडिकेशन. प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है, प्लांट के, जैसे किसान कैसे पहचानता है, हाउ डू फार्मर आइडेंटिफाई कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ डेफिशियंट है? तो वो आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज indicative changes which take place in morphology only, and certain element deficiency and are called deficiency symptoms. Or the morphological changes are indicative of certain element deficiency. Or ये जो deficiency होती है, जो morphological changes होते हैं, उनको क्या कहते हैं? Deficiency symptoms कहते हैं, right? The deficiency symptoms vary from element to element and they disappear when the deficient nutrients is provided in the plant. जैसे हम देखते हैं ना, animal के अंदर भी कुछ deficiency symptoms होती है. एक disease होता है rickets, क्वाशियोरकर, ठीक है. तो अगर उसको न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करो, वो विटामिन और वो प्रोटीन सप्लाई करो, तो खत्म हो जाएंगे. इसी तरह प्लांट को भी वो एलिमेंट दोबारा से मिला तो डेफिनेटली दैट विल वैनिश, वो खत्म हो जाएगी वो चीज जो सिम्टम्स आ रहे थे. हाउएवर इफ डेप्रिसिएशन कंटिन्यू, अगर उसकी कमी चलती रहती है तो उस एलिमेंट की, इट मे इवेंचुअली लीड टू दैट ऑफ द प्लांट, फाइनली प्लांट की डेथ भी हो सकती है उसकी वजह से. द parts of the plants that shows the deficiency symptoms also depend on the mobility of the element in the plant. जो भी plant का part deficiency symptoms दिखाता है, ठीक है, deficiency symptoms show करता है, ये depend करती है किस पे? Depend on the mobility of the element in the plant. कि वो element कितना mobile है. जैसे for example हमने calcium के बारे में पढ़ा, calcium इतना ज़्यादा mobile नहीं है, ठीक है. क्योंकि होता क्या है कि जैसे ही लीफ सूखती है, लीफ सेनिसेंस ऑफ लीफ टेक प्लेस होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि एलिमेंट इधर से उधर मूव करते हैं. तो जो जितना ज्यादा मोबाइल होगा, उस एलिमेंट के सिम्टम उतने ही कम आएंगे, ठीक है, उसके उतने ही कम आएंगे. अगर मान लो रूट के पास वो एलिमेंट नहीं है, तो रूट सिम्टम शो नहीं करेगी, उसको एब्जॉर्ब से सॉइल से एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगी. बट मान लो पहले ही रूट ने वो एब्जॉर्ब कर रख के इकट्ठा कर रखा है स्टेम के अंदर, तो वो स्टेम से ले लेगी, तो उसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स इतने नहीं आएंगे, ठीक है, जितनी अच्छी मोबिलिटी होगी. देन नेक्स्ट लाइन, फोल एलिमेंट दैट आर एक्टिवली मोबिलाइज्ड विद इन द प्लांट एंड एक्सपोर्टेड टू यंग डेवलपिंग टिश्यू, द डेफिशिएंसी सिम्टम्स टेंड्स टू अपीयर फर्स्ट इन द ओल्डर टिश्यू. अगर ये हमें कैसे पता चला मोबिलिटी के बारे में, कोई यंग प्लांट है, ठीक है, यंग मतलब कोई प्लांट है और उसके यंग पार्ट है, ठीक है, वो डेवलप कर रहा है, बहुत सारे यंग पार्ट होते हैं, मेरिस्टेमिक टिश्यू होते हैं, स्टेम बढ़ती है, रूट बढ़ती है, तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स कहाँ आते हैं? पहले ओल्डर टिश्यूज के अंदर आते हैं, जो ऑलरेडी बन चुके हैं. यंगर टिश्यूज के अंदर पहले नहीं आते, पहले ओल्डर टिश्यूज के अंदर आते हैं. वो क्यों? देखिए, फॉर एग्जाम्पल द डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम
आर विजिबल इन फर्स्ट इन द सेंशियंस लीफ, मतलब जो ओल्डर लीव्स हैं उनके अंदर आएंगे। इन ओल्डर लीव्स द बायोमोलिक्यूल कंटेनिंग दीज एलिमेंट्स आर ब्रोकन डाउन मेकिंग दीज एलिमेंट्स अवेलेबल फॉर द मोबिलाइजेशन टू द यंगर लीव्स। ठीक है, तो जो ओल्डर लीव के अंदर पहले सिम्टम्स आएंगे और फिर ओल्डर लीव्स से जो मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी बन चुके हैं उनको तोड़ा जाएगा, उनको तोड़ने के बाद वो कहां चले जाएंगे, यंगर लीव्स के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, द डेफिशिएंसी सिम्टम्स टेंड्स टू अपियर फर्स्ट इन द यंग टिश्यूज व्हेनेवर द एलिमेंट इज रिलेटिवली इमोबिलाइज। अब हमने क्या किया है बच्चे, हमने दो तरह से बांटा है किसको, एलिमेंट्स को। कैसे कैसे बांटा है, इफ आई वॉन्ट टू समराइज दैट, अगर कोई भी एलिमेंट असेंशियल है, ठीक है, पहले तो असेंशियल है और ये असेंशियल एलिमेंट क्या होगा, दो तरह से हम इसको बांटेंगे। पैसे पहले तो इमोबिलाइज है, मान लो वो हैवी वेट है, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, चार्ज ज्यादा है, कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से वो चल फिर नहीं पा रहा है, इधर उधर मूव नहीं कर पा रहा है, ट्रांसलोकेट नहीं हो पा रहा है प्लांट के अंदर। दूसरा वो मोबिलाइज है, तो मोबिलाइज के सिम्टम्स कहां अपीयर होंगे, सबसे पहले मोबिलाइज वाला जो पार्ट है उसके सिम्टम आएंगे किसके अंदर, पहले उसके सिम्टम आएंगे ओल्डर पार्ट के अंदर, जो ओल्डर प्लांट के पार्ट है उसके अंदर आएंगे। ठीक है, और अगर कोई पार्ट इमोबिलाइज वाला है तो उसके सिम्टम्स कहां आएंगे, उसके सिम्टम्स पहले आएंगे यंग पार्ट के अंदर, जो रैपिडली ग्रोइंग और फॉर्मिंग पार्ट है प्लांट का, वो बर्ड हो सकता है, लेटरल बर्ड हो सकता है, एपिकल बर्ड हो सकता है, मेरिस्टेम टिश्यू हो सकते हैं, लीव्स हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनको सॉइल एब्जॉर्ब, सॉइल से एब्जॉर्ब किया जाएगा बाय द रूट फॉर दिस पार्ट ओनली, और उनको डायरेक्टली फिर वहीं भेजा जाएगा, उनको इधर उधर ज्यादा हम ट्रांसलोकेट नहीं कर सकते क्योंकि वो इमोबिलाइज है, तो इसलिए सिम्टम्स यही अपीयर होगा। बट जो जो मोबिलाइज है, जो इधर उधर जा सकता है, मान लो सॉइल से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा प्लांट, तो क्या करेगा, प्लांट ऑलरेडी जहां स्टोर कर चुका है, स्टोर कहां कर चुका है, ओल्डर टिश्यूज के अंदर, ओल्डर पार्ट के अंदर, वहां से उसको ब्रेक डाउन करके अपना वो बेसिक एलिमेंट नाइट्रोजन फॉस्फोरस उनको निकाल के जो यंगर डेवलपिंग पार्ट है, जरूरत कहां है, जरूरत दोनों में, यंगर पार्ट में, ओल्डर पार्ट में इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि उसको ये रैपिडली डिवाइडिंग पार्ट है, बट यहां से निकाल के ओल्डर पार्ट से निकाल के यंगर में भेज दिया जाएगा, तो पहले सिम्टम ओल्डर में खत्म हो जाएगी, उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, ओल्डर फिर भी उसको सर्वाइव कर सकता है, उसको तो वो सेनिसेंस पार्ट है, वो तो डिकेइंग और नॉट डिकेइंग दैट इज एजिंग पार्ट, ठीक है, वो एज होता जा रहा है, तो ये चीज है। राइट, नाउ सी द नेक्स्ट लाइन, द प्लांट if the element is mobilized, if it can mobilize the plant like nitrogen, potassium, magnesium, they can easily mobilize NPMG, ठीक है, और potassium को अगर हम represent करते हैं, the atomic symbol of the potassium is K, तो they can easily mobilize, अभी easily mobilize कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि older part को इनकी जरूरत नहीं है, the older part or senescence part और एजिंग पार्ट डू नॉट रिक्वायर दीज एलिमेंट, दीज आर द बेसिक एलिमेंट, दे आर रिक्वायर्ड बाई ईच एंड एवरी सेल, बट डेफिनेटली दे आर मच रिक्वायर्ड बाई द यंगर पार्ट बिकॉज दैट इज अ डेवलपिंग पार्ट। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले सिम्टम्स ओल्डर पार्ट में आएंगे, यानी कि ओल्डर ने दे दिया है तो एक्चुअली द ओल्डर पार्ट इज सेक्रीफाइंग, दे आर गिविंग दीज एलिमेंट, दे आर सेक्रीफाइंग देयर ओन डिमांड एंड रिक्वायरमेंट, दैट्स वाई फर्स्ट दे विल शो सिम्टम्स कि हाँ डेफिशिएंसी है प्लांट में, फिर बाद में वो यंग के अंदर भी आएगा, ये है कॉन्सेप्ट। राइट, नाउ वी सी द नेक्स्ट लाइन अगेन, इन ओल्डर लीव दैट वी जस्ट स्टडी, ओल्डर लीव बायोमोलिक्यूल जो ब्रेक डाउन हो जाएगा और वो अवेलेबल हो जाएगा यंगर पार्ट को, डेफिशिएंसी सिम्टम्स पहले यंग टिश्यूज के अंदर आएंगे किसके अंदर, अगर रिलेटिवली इमोबिलाइज है, ठीक है, वो चल फिर नहीं पा रहा, रिलेटिवली इमोबाइल है तो पहले यंग टिश्यू के अंदर आएंगे, एंड आर नॉट ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ मैच्योर ऑर्गन्स, फॉर एग्जाम्पल द एलिमेंट लाइक सल्फर एंड द एलिमेंट लाइक सल्फर एंड कैल्सियम, क्योंकि हमने पढ़ा है सल्फर और कैल्सियम क्या है, सल्फर एंड कैल्सियम आर एक्चुअली द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के मेन पार्ट होते हैं, क्या क्या, सल्फर कैल्सियम ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के बच्चे मेन पार्ट होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा They are the structural component of the cells, hence are not easily released. ये आसानी से जो जहां वो ओल्ड टिश्यू के अंदर भी चला गया है वहां वो फिक्स हो गया, वो वहां से रिलीज नहीं होगा, वो ये क्या इमोबिलाइज है। तो इनके सिम्टम्स कहां आएंगे पहले, इनके सिम्टम्स पहले आएंगे यंगर टिश्यूज के अंदर। सो
दे आर रिलेटिवली इमोबाइल, तो उनके जो सिम्टम्स आएंगे पहले कहाँ पे आएंगे, पहले उनके यंगर टिश्यूज के अंदर ही उनके सिम्टम्स दिखाई दे जाएंगे. सॉरी, हेंस आर नॉट इजिली रिलीज. द एस्पेक्ट्स ऑफ द मिनरल न्यूट्रिशन. द प्लांट इज ए ग्रेट सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर. ये एक्चुअली हम क्यों बात कर रहे हैं इन सब की, क्योंकि जो एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, ठीक है, तो इन सब चीज के अंदर क्या है, इन सब चीज के अंदर हमें सिम्टम्स सबसे पहले देखने पड़ते हैं कि प्लांट के अगर सिम्टम्स आ रहे हैं, सिम्टम आ रहे हैं मतलब तो उस सॉइल के अंदर कमी है, तो उसी से देख के एक्सपर्ट जो है, जो फार्मर्स जो हैं, जो उसी से देख के आइडिया लगा लेते हैं और वो ऐसे ही फिर वो सप्लाई कर देते हैं. राइट, द काइंड ऑफ द डेफिशिएंसी सिम्टम्स शोन इन द प्लांट इंक्लूड्स कोरोसिस, नेक्रोसिस, स्टंटेड प्लांट ग्रोथ, प्रीमैच्योर फॉल ऑफ द लीव्स एंड द बड्स एंड द इनहिबिशंस ऑफ सेल डिवीजन. अब ये क्या है, क्या क्या ये चार पांच उन्होंने सिम्टम्स बताए, ठीक है, और उन सिम्टम्स को उन्होंने टेक्निकल टर्म के अंदर लिखा है. तो अगर सिंपल अगर आप देखो बाहर इतना सारे हम पेड़ पौधे देखते हैं, तो कई बार क्या देखते हैं, पेड़ ग्रो ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है. कई बार हम क्या देखते हैं कि पेड़ की पत्तियां बहुत जल्दी गिर रही हैं, उसके बड नहीं बन पा रहे हैं. बड मतलब जहां से उसके नए स्टेम बनेंगे, जहां से उसके नए पार्ट्स बनेंगे, वो सब ही नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है. सेल डिवीजन ही, सेल डिवीजन तो हम आंखों से नहीं देख सकते, बट ये सारे बाहर के सिम्टम्स, कोरोसिस होना, उसके पत्तियों का कलर चेंज होना, ठीक है, उसके जिसको हम कोरोसिस बोल देते हैं, उसकी पत्तियों का कलर चेंज होने के साथ साथ उनके अंदर डेथ होना, पत्तियां मर रही हैं, ठीक है, वो फॉर एग्जांपल वो ब्लैकिश होती जा रही है, वो डीके होती जा रही है, तो उसको नेक्रोसिस बोल देते हैं. स्टंटेड प्लांट ग्रोथ मीन्स प्लांट ग्रोथ इज नॉट सफिशियंट और इट्स नॉट कंप्लीट. राइट, तो प्लांट ग्रोथ इज नॉट कंप्लीट, प्रीमेच्योर फॉल ऑफ द लीव्स, पत्तियां पहले गिर रही है. आप देखो एक एक सिम्टम्स को समझते हैं. कोरोसिस इज एक्चुअली लॉस ऑफ द क्लोरोफिल लीड्स टू द येलोइंग ऑफ द लीफ. अब क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल किसकी वजह से नहीं होगा, डेफिनेटली मैग्नीशियम का भी रोल है, ठीक है, और ये सब अगर हो रहे हैं, ठीक है, ये सब अगर हो रहे हैं, मैग्नीशियम भी है, मैग्नीज भी है, आयरन भी, क्लोरोफिल का इसमें सब रोल होता है, तो ये सब अगर हो रहे हैं तो हो सकता है उसके अंदर किसके सिम्टम्स हों, किसके डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हैं, ये सोडियम, इसके नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक और मॉलिब्डेनम, ठीक है. मैग्नीज Mn का हमने रोल पढ़ा है, Mg का हमने रोल पढ़ा है, Mo का हमने रोल पढ़ा है, इनके सिम्टम्स की वजह से क्लोरोसिस हो सकती है. क्लोरोसिस क्या है, पत्ती का कलर यूजुअली येलो पड़ जाता है, हरा तो रहेगा नहीं, अब हरा इसलिए नहीं, क्लोरोफिल उसमें नहीं है. देन अगला सिम्टम्स है लाइकवाइज नेक्रोसिस. नेक्रोसिस एक्चुअली किसके लिए लगाते हैं, हम बायोलॉजी के अंदर नेक्रोसिस टर्म लगाते हैं, हम सेल डेथ के लिए, डेथ ऑफ द टिश्यू के लिए, ठीक है, नेक्रोसिस कहीं भी वर्ड लगाते हैं. क्लोरोसिस तो आप यूजुअली आप चेंज होना, कलर चेंज होना उसके लिए लगाते हैं, नेक्रोसिस के अंदर टोटली डेथ हो जाती है, जो इससे ज्यादा सीवियर सिम्टम है. अब ये कब होगा, पर्टिकुलरली लीफ टिश्यू के अंदर होता है. दिस इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटेशियम और लैक और लो लेवल ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, मॉलिब्डेनम, विच कॉजेज द इम्बाइबिशन ऑफ सेल डिविजन. जो अभी हमने कहा ना इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन सेल डिवीजन नहीं हो पा रही है, सेल नहीं बढ़ पा रही है, नहीं बन पा रही है, ठीक है, उनके अंदर माइटोसिस वगैरह नहीं हो पा रहा है कुछ भी, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से उनके अंदर नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा. जो सेल बनी हुई है उनके उनसे न्यूट्रिशन लिया जाएगा नई सेल बनाने के लिए, बट वो सफिशियंट नहीं रहेगी, इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से कम हो जाएगी इन एलिमेंट की. तो ये हो सकता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटेशियम और लैक ऑफ द, इनकी तो बुरी तरह डेफिशिएंसी हो, या इनकी कम ही है तो थोड़ा सा भी लो लेवल गया है, किस किस का, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, मॉलिब्डेनम का. राइट, देन सम एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, सल्फर, मॉलिब्डेनम डिले फ्लावरिंग इफ द कॉन्सेंट्रेशन इन प्लांट इज लो. अगर प्लांट के अंदर इनकी कॉन्सेंट्रेशन कम है तो उसके अंदर फूल नहीं खिलेंगे, ठीक है. यू कैन सी फ्रॉम द अबव दैट द डेफिशिएंसी ऑफ एनी एलिमेंट कैन कॉज मल्टीपल सिम्टम्स. एक से ज्यादा सिम्टम्स आ सकते हैं अगर डेफिशिएंसी हो रही है, एंड दैट इज सेम सिम्टम्स मे बी कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ वन ऑफ द सेवरल डिफरेंट एलिमेंट. एक ही एलिमेंट बहुत सारे सिम्टम्स कर सकता है, तो हम बिल्कुल पर्टिकुलर नहीं है कि इस वजह से यही होगा. हेंस यू कैन सी फ्रॉम द अबव द डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ एनी एलिमेंट कैन कॉज द मल्टीपल सिम्टम्स. ये नहीं एक एलिमेंट से एक ही सिम्टम आएगा, एक एलिमेंट से बहुत सारे सिम्टम्स भी आ सकते हैं, ठीक है. एंड दैट द सेम सिम्टम्स मे बी कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ वन और वन ऑफ द सेवरल डिफरेंट एलिमेंट. एक ही सिम्टम बहुत सारे सारे एलिमेंट से भी आ सकता है, उनकी डेफिशिएंसी से आ सकता है. हिंस टू आइडेंटिफाई द डेफिशिएंसी एलिमेंट्स वन हैज टू स्टडी ऑल द सिम्टम्स डेवलप इन द ऑल द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट. तो
एक एलिमेंट को अगर आइडेंटिफाई करना है कि क्या कमी है, तो उसको सारे सारे सिम्टम्स देखने पड़ेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के पार्ट में डेवलप हो रहे हैं, उनको कंपेयर करना पड़ेगा कि क्या क्या चीज अवेलेबल है. यू मस्ट हैव टू अवेयर दैट द डिफरेंट प्लांट ऑल्सो रेस्पॉन्ड टू द डेफिशिएंसीज ऑफ द सेम एलिमेंट. तो प्लांट एक ही एलिमेंट की डेफिशिएंसी के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट तरह से रेस्पॉन्स करता है, और एक ही प्लांट नहीं अलग अलग प्लांट. एक प्लांट में कुछ एक की डेफिशिएंसी है तो उसका कुछ सिम्टम आएगा, दूसरे प्लांट में उसी चीज की डेफिशिएंसी है तो कुछ अलग सिम्टम्स है. ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो वेयर वी स्टडी अबाउट द डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स. एंड फ्रॉम फॉर द नेक्स्ट वीडियो प्लीज वेट फॉर ए डे एंड देन इन दैट वी विल स्टडी अबाउट द टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. की टॉक्सिसिटी लेवल होगा तो क्या क्या हो जाएगा. तो यहाँ पे क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से कम है तो ये सारे क्या आते हैं, डेफिशिएंसी सिम्टम्स आते हैं. ठीक है, दैट वी स्टडी. थैंक यू.